सिंध में कोरोना एसओपीज का मामला, महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना एसओपीज में मजीद तरमीम करके नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा यकम से 15 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। कोरोना एसओपीज का ये मामला है जिस पर महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना एसओपीज में मजीद तरमीम करके नया हुक्मनामा जारी किया है। ये हुक्मनामा यकम से 15 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे इक्तदार अनवर से। इक्तदार, बताइएगा क्या हुक्मनामा जारी किया गया है? जनाब, आपका सिंध में एसओपीज का एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है और इस हुक्मनामे का इतलाक जो है वो यकम से 15 अक्टूबर के दौरान किया जाएगा। इसमें खुशी की खबर ये है कि इंडोर शादियों के अंदर वैक्सीनेटेड 200 अफराद की इजाजत दे दी गई है, जबकि आउटडोर शादियों के अंदर 400 अफराद आ सकते हैं। इसके अलावा इंडोर डाइनिंग में 50% अफराद आ सकते हैं, लेकिन इन तमाम के पास जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए, जबकि आउटडोर डाइनिंग की इजाजत जो है 12 बजे तक कर दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऐसे अफराद जो वैक्सीनेटेड हैं वो 50% तक स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। रेलवे के सफर के लिए अफराद को परमिशन दी गई है, जबकि तालीमी इदारों में 50% जो हाजिरी का रुझान है उसी को रखा जाएगा और हफ्ते में 3 रोज जो है 50-50% बच्चे जो है वो बुलाए जा सकते हैं। इस हुक्मनामे का इतलाक यकुम से 15 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।